हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी को, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक देखा था। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, यानी फंडामेंटल राइट्स में अब हम अगले राइट की ओर चल चुके हैं, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को हम दो क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज हम आर्टिकल नंबर 19 और 20 को देखेंगे। तो क्या है आर्टिकल नंबर 19, अब देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 हमारे देश के लोगों को 6 अलग अलग तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। क्या है वो फ्रीडम, देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपको बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार मिल गया। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 19(1)(a) कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार मिल गया आपको और अपने आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार मिल गया। आर्टिकल नंबर 19(1)(b) असेंबल, अब भाई अकेले थोड़ी ना बोलोगे, चल असेंबल होकर वहां पर बोलते हैं, तो असेंबल का होने का अधिकार मिल गया आर्टिकल 19(1)(b) के तहत। आर्टिकल नंबर 19(1)(c) एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है आपको, यानी कि अब आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल गया, असेंबल हो गए, तो चलो एसोसिएशन बना लेते हैं। अब असेंबल हो गए, एसोसिएशन बनाना अच्छी बात है, तो एसोसिएशन बना लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19(1)(d) हमें राइट टू मूवमेंट, अब एसोसिएशन बना ली, चलो मूवमेंट करते हैं, तो यूपी से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र घूम कर आते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बन गई। आर्टिकल नंबर 19(1)(d) हमें ये अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 19(1)(e) क्या कहता है, राइट टू सेटल और रेजिडेंस। अब भाई मूवमेंट करते करते थक गए ना, तो चलो सेटल हो लेते हैं, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19(1)(e) कहता है सेटल का या रेजिडेंस का, राइट टू सेटल और रेजिडेंस। आर्टिकल नंबर 19(1)(f) ये अब हटा दिया गया है, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत अब हटा दिया गया है, अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19(1)(g) कहता है वोकेशन, अब भाई सेटल हो गए तो कुछ काम धंधा भी तो चाहिए, तो चलो भैया वोकेशन, राइट टू वोकेशन आर्टिकल नंबर 19(1)(g) से हमें मिलता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल 19 के जो दिए हुए हैं सब सारे आर्टिकल्स को देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19(1)(a) क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए बोलता है। आर्टिकल नंबर 21 के बाद अगर कोई आर्टिकल है जिसे इतना बढ़ाया गया है तो वो आर्टिकल नंबर 19(1) है, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) है, ठीक है। कैसे बढ़ाया गया है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलग अलग मायने निकाले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है। जैसे अब तक क्या होता था कि आप अपने घर पे या प्राइवेट जगह पर किसी ऑफिस पर फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, अपने झंडे को लहरा नहीं सकते थे देश के, ठीक है। तो क्या हुआ कि नवीन जिंदल केस हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा उनको, क्यों, क्योंकि पहले क्या था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप या अपने घर पे लहराते हैं तो वो जुर्म था, तो उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। तो कोर्ट में जाकर नवीन जिंदल जी ने कहा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैंने अपने देश का झंडा लहराया है, मैं अपने देश के प्रति प्यार दिखा रहा हूं, तो वो क्या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के बाद से कुछ इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने बताया कि जो फ्लैग होस्ट करने का जो प्रावधान है, यानी कि आप अगर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपने घर में झंडा लहरा रहे हैं तो वो गलत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि ये आपके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, आप अपने देश के प्रति प्यार को दिखा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखा सकते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन में आ जाएगा आपका। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, भाई मैं प्रेस चलाता हूं, मैं अपना कोई व्यू पॉइंट रखता हूं तो वो मैं उसको दिखा सकता हूं अपने प्रेस के जरिए, तो ये भी मेरा आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा राइट टू मल्टी पार्टी सिस्टम, इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा वो भी हमें आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत ही मिलता है। ये सब क्या है, ये सब हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में आता है, ठीक है। पॉलिटिकल डिसेंट, पॉलिटिकल डिसेंट का मतलब होता है कि मैं अगर मेरी आम आदमी पार्टी है और दूसरी कांग्रेस या बीजेपी है तो मेरे को अधिकार है कि मैं उनकी पॉलिसीज का विरोध कर सकता हूं, कांग्रेस को अधिकार है वो बीजेपी की पॉलिसीज का विरोध कर सकती है, बीजेपी को अधिकार है कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी की पॉलिसीज का विरोध कर सकती है। तो इससे होता है राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, यानी कि मतलब आप सहमत नहीं, असहमति का अधिकार मिला हुआ है आपको आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत। अब सोचिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप किसी एक दूसरे से अगर मतभेद या कह दीजिए कि सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर काहे की डेमोक्रेसी, फिर तो आप हाँ में लगाइए, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी कर रही है, जो भी सत्ता में है पार्टी वो जो भी कर रही है उसमें हाँ में लगाते जाइए, तो फिर हो गया खत्म डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत
राइट टू डिसेंट, राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, यानी असहमत होने का अधिकार भी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत हमें मिलता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत ही मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल नंबर 19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पर ये रेस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है ना, इसको रोका जा सकता है। जैसे आपके बोलने से या एक्सप्रेशन से कि देश की सोवरेनिटी या सिक्योरिटी को खतरा ना पहुंचे, ठीक है, आपके बोलने से या एक्सप्रेस करने से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, ठीक है ना, या किसी का मतलब किसी की मानहानि यानी कि किसी की इज्जत खराब ना हो, ये सब ना हो, ठीक है ना। तो क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन के मतलब कुछ दिए हुए हैं कि इन इन चीजों पर हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, देश की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी पर, ठीक है, या आप किसी के मानहानि ना करें, किसी को गलत अपशब्द ना कहें। जैसे मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए नेता है, ठीक है, मिस्टर ए है, एक नेता है, ये बहुत बड़े नेता है, और ये जब भी जहां जाते हैं इनके मुंह से बस जहर ही निकलता है, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, तो इनको जाने से रोका जा सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत मुझे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है इसलिए मेरा अधिकार है मुझे बोलने दिया जाए। आप बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ मायने हैं, आप कहीं जाकर लड़ाई दंगा नहीं फैला सकते हैं, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये आपका आर्टिकल नंबर 19(1) है। आर्टिकल नंबर 19(b), आर्टिकल नंबर 19(b) कहता है असेंबल होने का अधिकार, असेंबल होने का। देखिए, आप कहीं भी किसी पार्क में जाकर या किसी भी जगह पर जाकर असेंबल हो सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, किसके तहत, आर्टिकल नंबर 19(1)(b) के तहत। लेकिन आपको याद होगा कि मथुरा में एक जवाहर बाग में सुभाष सेना थी जो वहां पर आकर मतलब बैठ, पहले डेरा जमा लिया, ठीक है ना, वहां पर जाकर बैठ गए, ठीक है, असेंबल हो गए वो लोग। उसके बाद उनके पास क्या था, कट्टे थे, बंदूक थे, और उन्होंने एक एसपी की हत्या भी कर दी। तो आप असेंबल हो सकते हैं लेकिन पीसफुल मैनर में, ऐसा नहीं कि आप जवाहर बाग में गए, मथुरा में जवाहर बाग में गए, वो क्या नाम था, राम रक्ष यादव जी जवाहर बाग में थे और वो पूरा घेरने का प्लान था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा मतलब आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि घेरने का प्लान था, ठीक है, और वहां पर आप कट्टे वगैरह लेकर चले गए, आपने गोली चला दी अपनी पुलिस पर, तो आप ये सब नहीं कर सकते। आपको पीसफुल मैनर में शांति से असेंबल होने का अधिकार है, ये आपको, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये कहां से मिलता है आपको, ये मिलता है आपको आर्टिकल नंबर 19(1)(b) से, राइट टू असेंबल। अब है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19(c), आर्टिकल नंबर 19(c) क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का आर्टिकल नंबर 19(c) कहता है, 19(1)(c) कहता है कि आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। एसोसिएशन यहां जिसमें जैसे 1997 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत एसोसिएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ला दिया गया था कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट है, ठीक है, किसके तहत, आर्टिकल नंबर 19(1)(c) के तहत, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल सही बात है। आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। अब ट्रेड यूनियन बन गई तो एक चीज जरूर होगी, क्या होगी, स्ट्राइक। स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका लीगल राइट है लेकिन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन बंद, जो बंद होता है ना, जो स्ट्राइक का हायर लेवल होता है, बंद, भारत बंद, ये बंद, वो बंद, ठीक है, तो बंद जो है वो आपका, वो इलीगल है, वो आपका कोई राइट नहीं है, वो बिल्कुल इलीगल है, वो गलत है। बंद में क्या होता है, बंद में होता है कि आपकी सारे मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सब बंद हो जाएंगे, दुकानें वगैरह बंद हो जाएंगी, तो इससे क्या होता है, इससे पब्लिक सफर करती है, पब्लिक को झेलना पड़ता है। तो बंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल बोल दिया था, कब बोला था, 1998 में, ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन बनाने का अधिकार हमारी फोर्सेस को भी है, ठीक है, उनका ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल नंबर 33 के तहत हमारी पार्लियामेंट ने उनको ये अधिकार दिया नहीं, वो अधिकार छीन लिया है कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, किससे, पुलिस से, हमारी आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, इनको आर्टिकल नंबर 33 के तहत हमारी पार्लियामेंट ने अधिकार नहीं दिया है, छीन लिया है कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। तो ये है आर्टिकल नंबर 19(1). अब है आर्टिकल नंबर 19(1)(d). आर्टिकल नंबर 19(1)(d) कहता है राइट टू मूवमेंट, यानी कि आप पूरे भारत देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, बशर्ते आप किस चीज को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, उस जगह की सिक्योरिटी को आप नुकसान ना पहुंचा रहे हो, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, तो आप देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है जरावास, कौन सी, जरावास,
चरावास, ये एक ट्राइब है। यहाँ क्या होता था, टूरिस्ट जाते थे और टूरिस्ट वहाँ पर जाने का एक रास्ता है, तो मतलब टूरिस्ट जाते थे और वहाँ पर जाकर उनको रोटी या कुछ भी देते थे और बोलते थे चलो डांस करो, क्योंकि वो डांस करने के लिए फेमस थे तो उन्होंने डांस करने के लिए बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। दूसरा इंसान डांस कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो डांस करवा रहा है वो गलत है, इंटेंशन से करवा रहा है, उसका मजाक उड़ाने के करवा रहा है। ठीक है, तो आप ट्राइब्स के जो इंटरेस्ट है, यानी आप किस जरावा ट्राइब के जिस बंदे से भी आप डांस करवा रहे हो, आप उसकी डिग्निफाइड लाइफ को चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको फ्री मूवमेंट का अधिकार है आर्टिकल नंबर 91D के तहत, लेकिन उसमें तीन चीजें हैं, आप किन किन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, यहाँ देश की सिक्योरिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, और किसको, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, यानी शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो आप देश में फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 91। अब है आर्टिकल नंबर 19E। 19E क्या है, राइट टू सेटलमेंट और रेजिडेंस, यानी कि सेटलमेंट का और रेजिडेंस का आपके पास अधिकार है। सिंपल, इसमें और कुछ ज्यादा बताने का नहीं है, ये आप रख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19(1)F जो कि डिलीट कर दिया गया है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, राइट था, वो अब नहीं है। ठीक है, अब है आर्टिकल नंबर 19(1)G, वो है राइट टू वोकेशन। ये मिस्टर ए है, ठीक है, इनको एक ही काम आता है, क्या काम आता है, ड्रग सप्लाई करना। तो ड्रग सप्लाई करना गलत चीज़ है, ठीक है ना, और समाज को खराब करने वाली चीज़ है, लोगों को मतलब बुराइयों में झगड़ने वाली चीज़ है ड्रग्स। ठीक है, गलत है। तो राइट टू वोकेशन बिल्कुल है आपके पास, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्टेड है कि आप गलत कोई काम नहीं करेंगे, गलत वोकेशन कोई नहीं करेंगे। तो मिस्टर ए के लिए ये वोकेशन सही नहीं है, ठीक है ना, तो इनको जेल भेजा जा सकता है ड्रग सप्लाई करने के मामले में। ठीक है, क्योंकि इनको यही वोकेशन आता है, इसके अलावा इन्हें कोई वोकेशन नहीं आता। तो हमने देखा आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी, एफ डिलीट कर दिया गया है, जी, ठीक है। तो ये छह तरीके की फ्रीडम्स है हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताया स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, जिसमें आपको बताया असेंबल, राइट टू असेंबल, जिसमें मैंने आपको बताया एसोसिएशन, जिसमें आपको बताया मूवमेंट, सेटल एंड रेजिडेंस और वोकेशन। ये छह तरीके की फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 19(1) के तहत हमें मिलती है। ठीक है, ये है हमारा राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 19(1). अब है आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, देखिए स्टेट के पास कोर्सिव पावर है, यानी कि पावर टू पनिश यू। ठीक है, आपको पनिश करने की पावर है स्टेट के पास, बिल्कुल है, सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस पनिशमेंट से बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 20 के तहत। ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्या है। आर्टिकल नंबर 21 क्या है, एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है पीछे जाना। ठीक है, मान लीजिए आज ये मिस्टर ए है, इन्होंने आज कोई क्राइम किया, उस क्राइम की सजा थी कि 6 महीने की जेल, 6 month ऑफ जेल। ठीक है, आज इन्होंने क्राइम किया, 6 महीने की जेल इसकी सजा है, इनको 6 महीने की जेल हो गई। 2 दिन बाद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने कहा कि भैया खून करने की सजा 6 महीने की जेल नहीं होनी चाहिए, 6 साल की जेल होनी चाहिए, और सरकार 2 दिन बाद एक नया कानून लाती है और वो कानून लागू हो जाता है। तो याद रखिए, उस कानून के तहत, नए कानून के तहत मिस्टर ए को सजा नहीं हो सकती, उनको सजा सिर्फ 6 महीने की ही होगी, 6 month ऑफ जेल होगी, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो इसका मतलब है पीछे जाना, यानी कि आप पीछे जाकर उस क्राइम के लिए, जो क्राइम किया था उसके लिए सजा नहीं दे सकते। जुवेनाइल केस में हुआ था, दिल्ली वाले केस में आपको पता हो कि वो लकी निकला उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लकी निकला, उसको सजा नहीं हुई। ठीक है, वो कुछ ही मंथ शायद बचे थे उसके 18 का होने में, ठीक है, तो उसको सजा नहीं मिल पाई। तो क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि कानून बना बाद में, ठीक है, और उसको सजा नहीं मिल सकती अब, क्यों, एक्सपोस्ट फैक्टो आर्टिकल नंबर 21 के तहत, ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 21 एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी आपने कोई क्राइम किया और कानून बना 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आपको उस कानून के तहत, नए कानून के तहत सजा नहीं दी जाती, दी जा सकती। लेकिन ऐसा सिर्फ क्रिमिनल लेजिस्लेशन में है, ठीक है, सिविल लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं है, सिविल केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर आपको कानून अगर 2 महीने बाद आता है, 2 दिन बाद आता है, तो उसके तहत भी सजा मिल सकती है, लेकिन क्रिमिनल लेजिस्लेशन में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 21। अब है आपका आर्टिकल नंबर 22। 22 क्या है, डबल जे, यानी कि डबल जोबार्डी। डबल जोबार्डी का मतलब होता है डबल कुटाई। ठीक है, आप स्कूल में चीटिंग करते हुए पकड़े गए और वहां पर आपको टीचर ने पिटाई कर दी। ठीक है, टीचर ने पिटाई कर दी, वो ठीक है, डायरी में लिखकर भेजा, पापा ने पढ़ लिया, पापा ने अलग पिटाई करी,
तो दो 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 मार पड़ी ना आपको, ऐसा घर में तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपको कोर्ट एक ही चीज के लिए, एक ही गुनाह के लिए दो बार सजा या तीन बार सजा नहीं दे सकता, डबल जपार्डी, यानी कि दो बार सजा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो, सॉरी एक बात समझिए कि कोई व्यक्ति है, किसी ने रिश्वत ली, ठीक है, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद उसको कोर्ट ने सजा दी, तो ये डबल सजा नहीं है। उसको बर्खास्त कर दिया गया वो उसके ऑफिस की बात है, लेकिन कोर्ट में उसको सिर्फ एक ही बार सजा दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 डबल जपार्डी, यानी आपको दो बार सजा नहीं मिलेगी एक ही क्राइम के लिए एक कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, एनडी तिवारी जी लिखा है मैंने इसमें, आपको केस याद आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि देखिए कोई भी आपने क्राइम किया, देखिए क्या हुआ था कि जो लड़का था एनडी तिवारी जी का, तो उसने कहा कि ये मेरे पिता है। एनडी तिवारी जी ने कहा कि नहीं नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं इनका बायोलॉजिकल सन हूँ। तो वो कोर्ट चला गया, कोर्ट में जाके कहा कि मैं इनका पिता हूँ और ये मेरे को अपना नहीं रहे हैं और मुझे प्रॉपर्टी वगैरह जो भी राइट्स चाहिए वो इनके, मतलब जो भी राइट्स मिलना चाहिए बेटे को वो दिए जाएं। तो यहाँ पर एक डिग्निफाइड लाइफ की बात आ गई। एनडी तिवारी जी ने कहा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एनडी तिवारी जी से कहा कि आपका डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट होगा। तो एनडी तिवारी जी ने कहा कि दो तीन दिन का टाइम दो यार। तो उन्होंने नोट्स निकाले, पॉलिटी के नोट्स पढ़े, मतलब मजाक वाली बात है। तो उन्होंने नोट्स निकाले, नोट्स पढ़े, उन्होंने देखा कि यार आर्टिकल नंबर 23 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि मैंने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके लिए मुझसे एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल नंबर 23 के तहत आप मुझसे एविडेंस मांग रहे हो, डीएनए टेस्ट मेरे खिलाफ जा सकता है, मेरे खिलाफ जा रहा है, यानी आपने मेरा ही एविडेंस ले लिया, मुझसे ही एविडेंस लिया। तो जुडिशरी ने कहा बेटा थोड़ा बहुत तो हमने भी लॉ पढ़ा है। तो जुडिशरी बोलती है कि ठीक है, बिल्कुल समझा था, आर्टिकल नंबर 23 पहली बात तो एब्सोल्यूट नहीं है, हम आपको ये बता दें। किसने कहा, जुडिशरी ने कहा ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर बात है किसी की डिग्निफाइड लाइफ की, ठीक है ना, किसी के व्यक्तित्व की बात है यहाँ पर उस लड़के की, तो उसको अधिकार मिलने चाहिए। तो उसको अधिकार मिला, आर्टिकल नंबर 23 वो एनडी तिवारी वाला मैंने केस बताया। वैसे आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि आपसे, यानी आपने कोई क्राइम किया है तो उसका एविडेंस आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, आप उसका एविडेंस नहीं देंगे। ये क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, ये था आज का राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19, जिसमें हमने 6 तरीके की फ्रीडम देखी, और आर्टिकल नंबर 20, जिसमें हमें स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है इन आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल नंबर 21, 22, 23 इनके तहत। तो ये था राइट टू फ्रीडम में आज आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22 आर्टिकल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक जाने वाला है। उसमें प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आएगा, ठीक है, तो वो हमें अच्छे से समझना होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबाएं, वीडियो शेयर करें, कोई बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है, और एंजॉय करें, पढ़ाई करें। थैंक यू।